किस कदर उल्टी खोपड़ी वाले इंसान हो सिपकू? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने बताया नहीं? मैंने तुम्हें कहा कि इसको नीचे जाके बताओ कि चिनार घर पे आया हुआ है, फिर क्यों इस कदर शोर हो रहा था? मैं पावला कुत्ता हूँ क्या? मुझे क्यों लॉक कर दिया नीचे? आराम से बोलती कि चिनार आया है। बिल्कुल बताया था तुम्हें, मगर तुम ही बैल की तरह इधर से उधर भागते जा रहे थे और चिल्लाते जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, कैद कर दिया तुमने मुझे घर में, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, अंदर बंद रहकर मैं क्या करूँ? तुम्हारी वजह से हम पकड़े जाते। तुम पागल हो, अगर चिनार को पता चल जाता तो हम क्या करते? अपनी आवाज़ बंद करो। अब मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मुमकिन है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी, मार डालूंगी तुम्हें, समझे? संभालो खुद को पार्टनर, तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी, गलत किया है क्या मैंने? देखा कुछ भी नहीं समझा वो, और कितने आराम से चला गया पार्टनर। मेरे मैदे में दर्द है, लड़की से कहो जरा मुझे पुदीने वाला कहवा बना दे। मैं वापस आने से पहले तुमसे और तोपराग से वाकई जान छुड़ाना चाहती हूँ। काली मिर्च भी डाल देना। ये बहुत खुशी की बात है, ये जो मिस्टर नजीब ने घर खाली करने के लिए कहा है, कहना काफी था, ये सब लाने की क्या जरूरत? वो आपको इस पेपर में अमल करने की हिदायत दे रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, मिस्टर नजीब से कहें कि वो अपने आप को परेशान न करें, मैं जल्द घर खाली कर दूंगी। जल्द खाली करने की जरूरत नहीं, आपके पास एक महीने का टाइम है। अगर मिस्टर नजीब को ऐसे ही मुनासिब लगता है, मुझे फौरन से पहले चले जाना चाहिए। मेरे साथ रहने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे यकीन है आप उस वाले दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। मिस्टर ऑल्टन, ये लीजिए सर, आपने खाना नहीं खाया था तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। शुक्रिया बेटी, इंजॉय कीजिए सर। हेलो मिस्टर ऑल्टन। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब, मैंने घर फ्रोक करने का काम शुरू कर दिया है और उसके पेपर भी मिस जमरुद को दे दिए हैं। अच्छा, कैसा रवैया था, कोई बहस तो नहीं की उन्होंने? नहीं सर, वो तो बहुत पुरसुकून थी, उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मालूम नहीं, मगर मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मिली। वो आपकी एक माह की मुद्दत भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उन्होंने कहा घर फौरन खाली कर दूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह, घर तो मैं बेच रहा हूँ, ऐसी जल्दबाजी क्यों? मुझे इतनी जल्दी नहीं कि वो शिफ्ट हो जाए। वो तो मुझे नहीं मालूम सर, पर उन्होंने मुझसे ये कहा मिस्टर नजीब परेशान न हो। समझ गया, फोन करने का शुक्रिया मिस्टर आल्टन। शुक्रिया की कोई बात नहीं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बाबा। बेटा इतनी जल्दी आ गए? बस बच्चा सो रहा था, दिल तो चाहा कि उससे मिल लूं, पर यास्मीन ने उसको कोई सिरप पिला के सुलाया हुआ था, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। तुमने अच्छा किया, मरवत को आवाज दे दो, वो तुम्हारे लिए चाय बना दे। हाँ मैंने कह दिया है उसे। ठीक है। कौन है बाबा, पिक कर ले। एक पुराना मिलने जुलने वाला है, वैसे ही कर रहा होगा। ओके, मे बी इम्पोर्टेंट बात हो, पिक कर ले आप। हेलो, कैसे हैं मिस्टर नजीब? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मैं समझ गई, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है, घर पर बात पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लूं ताकि जल्द से जल्द बात को जारी रखा जा सके। अच्छा, मेरे ख्याल में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, वैसे भी अभी मैं मसरूफ हूँ अपने बेटे के साथ। मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको पता है कि मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा ये बात जल्द से जल्द हम करके खत्म कर लें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ। चलें, गुड नाइट।
खैर तो है बाबा? हाँ, मेरा वो एक स्कूल फ्रेंड है, इस्तांबुल से आया हुआ है। कल मिलने का वादा किया था हमने, मगर वो कहता है कि उसे सुबह जल्दी इस्तांबुल वापस जाना है, कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, इसलिए फोन किया था उसने। अच्छी बात है ये, पर आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? नहीं बेटा, इस वजह से नहीं। तुम मेरे लिए जल्दी घर आए हो, कुछ इधर उधर की बातें होती कि अचानक उसका फोन आ गया। अरे इसमें ऐसी क्या बात है, मैं तो घर पे ही हूँ, आप इजी होके काम जारी रखें। चलो ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ, कहीं उसे बुरा ना लगे। ठीक है, ख्याल रखें आप। ये लीजिए चिनार सर। शुक्रिया। कोई बात नहीं। और हाँ, साथ कुछ स्नैक्स भी ले आना। आप सो रही थी? नहीं तो प्राक मेरी जान, सर में दर्द हो रहा था, सोचा अपने लिए चाय ही बना लूं मैं। तुमने क्या बनाया? केक बनाया है मैंने, नीचे केक का मिक्सर बना रही थी, फिर अहमद आ गया। केक बनने तक हमने सोचा हम बातें करेंगे, लेकिन वो सो गया। पी रखी थी? हाँ थोड़ी सी पी थी। बहुत बदल गया है शायद वो अब। क्या तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, उसने कुछ पुरानी बातें अपनी मंगेतर के बारे में बताई। बिल्किस का बताया उसने? इस मौजू पे आज तक उसने किसी के साथ बातचीत नहीं की। दरअसल बहुत मोहतात है वो, तुम्हें बताया यानी तुम पे इतबार करता है। बहुत क्या हो रहा है ये सब, मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरी बेटी ऐसा ही है मिस्टर नजीब, मैं कल का इंतजार न कर सकी, और फिर आप भी मुझे बेसकून नजर आए, तो मैंने सोचा जल्द से जल्द बात कर लें हम। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मुझे भी अब ज्यादा इंतजार करके तबीयत में घबराहट हो जाती है। कैसे ना घबराएं मिस्टर नजीब, ऐसा क्या हुआ, कहां से आपके दिमाग में ऐसी बात आई? तुमने जो कुर्बानियां दी हैं उनकी वजह से तुम्हारी अहमियत कितनी बढ़ गई है। मुझे अच्छी तरह एहसास है तुमने चिनार की जो हौसला अफजाई की है, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। चिनार मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है मिस्टर नजीब, क्योंकि मेरे बच्चे का बाप है वो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह ठीक है, पर उसके लिए कुछ भी करके मुझे खुशी होती है। मुझे मालूम है तुम उसे एक दोस्त की तरह देखती हो, कम से कम उसे निभाने के लिए तुमने जो जो कोशिशें की हैं, मगर उससे बात करने के लिए वक्तन फवक्तन खुलकर बात ना कर सकने की वजह से जाहिर होता है कि तुम्हें उससे अपना इजहार ख्याल पूरी तरह नहीं कर पा रही हो। क्या ख्याल है, एक कप चाय और पी जाए? सच है कि हम एक ही घर में रहते हैं, पर मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि लोग हमारी ही लाइफ में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। चाहे तो मैं चिनार के साथ रहूं या चाहे ना रहूं, लोग अपना टाइम पास के लिए कोई और टॉपिक क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैंने हमेशा उसी से प्यार किया और प्यार करती रहूंगी। वो पहला प्यार है मेरा, और ऑफ कोर्स आखिरी भी। यकीनन मैंने उसे बहुत भुलाना चाहा, अपनी जिंदगी से निकालने की बहुत कोशिश की, पर मैं हमेशा नाकाम ही रही। नो वे मेरी बेटी, हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद इंसान को कभी कभी कुछ बातें कबूल करनी पड़ती हैं, उन पर मिट्टी डालना चाहे या भुलाना चाहे नहीं भुला सकता कभी भी। वो एक अरसे से अपनी सांसों में महसूस करता है वो अपनी उस मोहब्बत को।
इस मोहब्बत को नामुमकिन समझकर मैंने छुपा लिया है। इस मोहब्बत का दर्द बस अब मैं अकेली ही बर्दाश्त कर रही हूँ मिस्टर नजीब। तुम दिल छोटा मत करो बेटा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम अगर पहली वाली यास्मीन होती तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर कभी बात ना करता, खास तौर पर इस मामले पर तो कभी भी बात ना करता। मगर इस मोहब्बत से पहले तुम बिल्कुल खाम थी, मगर इस मोहब्बत में जलकर मुकम्मल हुई हो। थैंक यू मिस्टर नजीब। यानी अपने आप को तब्दील कर देना हर किसी की बस की बात नहीं, और मैं समझता हूं कि तुम चिनार के लिए परफेक्ट लड़की बनकर आई हो। उसकी जिंदगी में चिनार किन किन तूफानों से गुजरा है और तुमने हर तूफान से उसे निकाला है। यानी मुख्तसर ये कि तुम ही मेरे बेटे के काबिल हो। चेहरे पे कोई तासुर ही नहीं था। कितनी आसानी से झूठ बोल रही है ये लड़की, क्या तुम इसकी बातों पे यकीन कर रही हो? मैं सोने जा रही हूँ। आप तफराक मेरी जान, अपना मूड हरगिज खराब मत करो, परेशान मत हो। अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, ये किस तरह के लोग हैं साफ जाहिर है। तुम्हारी जान छूट गई बस। गुड नाइट आपा। गुड नाइट बेटा। इसकी हालत तो देखो, यहाँ सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। मैं नाश्ता तैयार करने जा रही थी मगर। मसला नहीं है प्यारी, मैं हल कर लूंगी। यास्मीन मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सिटकू मुझे एबनॉर्मल लगता है बिल्कुल, यानी एक वक्त में 3 से 4 लोगों का खाना खा लेता है। इट्स ओके प्यारी, खाने दो। मैं तैयार कर देती हूँ यास्मीन मैडम। डोंट वरी, मैं कर रही हूँ, तुम अपना काम करो। मुझे भी ये सब आता है। उस पर आप देखेंगे मुझे बैठकर सुबह नाश्ते की लिस्ट लिखवाता है, ऊपर से खरगोश का गोश्त भी मांग रहा है। जितना मैं उसको देती हूँ वो कम है उसके लिए। कोई मसला नहीं है शर्मीन मेरी जान, जो खाना चाहता है उसे बना दो। मैं आज अपना मूड किसी सूरत खराब नहीं करूंगी, ठीक है ना? डोंट वरी, मैं देख लूंगी। अल्लाह अल्लाह, खोल रही हूँ। आहा जमरुद सुल्तान, व्हाट ए सरप्राइज। असल सरप्राइज तो मिस्टर नजीब ने दिया है। कैसे, यानी कि आपको भी पता चल गया क्या? ऑफ कोर्स माय डियर, वकील के जरिए नोटिस भिजवाया है घर खाली करने के लिए। मैं समझी नहीं, क्या वो आपको घर से निकाल रहे हैं? नहीं, मैं बार बार चेकअप नहीं करवा सकती, एक ही दफा बेहतर चेकअप करवाना चाहती हूँ। हो सकता है ऑफ कोर्स। और हाँ, मैं जेंडर मालूम करना चाहती हूँ, इसी हफ्ते में। कितने पैसे लगेंगे? ₹180,000। नहीं, फिलहाल मुझे अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में कॉल करूंगी। हैव अ नाइस डे। वैसे भी मैं उस घर में बहुत तंग थी। मेरी खुशकिस्मती है कि मिस्टर नजीब ने इन वक्त पे हमला किया। अच्छा, क्या मतलब, आपको मिस्टर नजीब पर गुस्सा नहीं आया क्या? जाहिर है नहीं आया हनी, मैं इस मसले में से अपने आप को निकालने के बारे में सोच रही हूँ। यानी मैं मिस्टर नजीब को अपने असलहे से मारूंगी। आप ये तो बताएं कि आप ये करेंगी कैसे? जरा सोचो तो, एक हाकिम ने
कैंसर ज्यादा बीवी को तलाक दे दी, फिर उठाकर गली में फेंक दिया। अब उसके साथ क्या किया जा सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, पर आप ये बताएं कि अब आप रहेंगी कहाँ? यहाँ आने से पहले मैंने मिस्टर तारिक से बात की है, मेरी डिमांड का उनको पता है, उसी के मुताबिक वो मेरे लिए घर तलाश करेंगे। घर खरीदेंगी मतलब आप? हाँ हनी। आपके पास तो पैसे नहीं थे ना जमर सुल्तान? अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, नरमीन आपा ने बताया होगा। मुझे नहीं मालूम था सच में, अभी अभी पता चला, मुझे बहुत हैरत हुई है। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा। वैसे भी थोड़ी सी मुदत के लिए आई थी, जॉब भी मिल गई, कुछ पैसे जमा कर लूंगी, डिलीवरी से पहले यहाँ से चले जाऊंगी। तोप्राक? यास्मीन बस करो, ऐसी जगह से कहाँ रहोगी तुम? अभी तक मैंने तुम्हारी मदद की, तुम जानती हो, अगर ये सिद्दीक वाला मामला तुमने अपने तौर पर करने की कोशिश की, यानी अपने कद से बड़ा काम किया और फिर उलझती रही सारे मामलात में। और कोई रास्ता था क्या मेरे सामने? अगर शुरू से ही तुमने मुझे हर बात बताई होती ना, तो मैं तुम्हारे लिए कोई सलूशन निकाल लेती, मगर नहीं, तुम तो खुद ही सब कुछ हल करने की कोशिश करती हो और आखिर फिर कोई रिजल्ट तो हासिल होगा। यास्मीन, इस बात को हम लंबा ना खींचे, मुंह लटकाना छोड़ो। सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। पहले मैं तस्करान लोगों के लायक एक मैंशन ढूंढूंगी, हद तक कि मुमकिन हुआ तो अलगास वालों से करीब एक मैंशन लूंगी, फिर तुम्हारे साथ उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है ना? वो सिद्दीक नामी शख्स यही रहेगा। कैसा? जबरदस्त सोच है आपकी वाकई में। मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया शायद, मैं तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने आई हूँ और तुम अपना मुंह देखो, क्यों लटका के खड़ी हुई हो? तो प्राग, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया? मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो तुम नाराज हो गई? सिर्फ यही तो कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सुनकर मुझे हैरत हुई। चलो अब तो पता चल गया ना, इजाजत दो ताकि जॉब पर जा सकूं। तो प्राग, ये बताओ कि तुमने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लिया? तुम्हें चेकअप की जरूरत होगी, तुम टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट ले लेती। अभी वक्त है। मसला पैसे तो नहीं है ना? हाँ पैसे हैं, और मेरी प्रमोशन होने वाली है, पैसे मिलते ही टेस्ट करवा लूंगी। अच्छा तो तुम्हारा शौहर यानी तुम्हारे बच्चे का बाप वो नहीं है क्या? यानी तुम लोगों में तलाक हो गई और उसे अपने बच्चे का ख्याल नहीं? उसे नहीं पता, उसको मैंने ये बताया मैंने अबॉर्शन करवा लिया। ठीक है, मगर क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा चाहा, समझ गए? अब मुझे जाने दो, ये मेरा बेबी है, सिर्फ मेरा बेबी, और इसे पालने के लिए मुझे जो हो सका मैं वो करूंगी, जरूरत पड़ी तो सब तरह से जंग लड़ूंगी, मगर अपने बेबी को अकेले पालूंगी। कल मिस्टर नजीब ने भी मुझे एक सरप्राइज दिया। और क्या किया है उसने? मुझे अपनी बहू बनाने की ऑफर की है उन्होंने। क्या सच में? आपको सच नहीं लगा? एक मिनट, मुझे शुरू से बताओ कि जरा। कल सुबह यहाँ आए थे मिस्टर नजीब, अपने पोते के लिए आए थे और कहा कि मुझसे बेहतर कोई माँ नहीं है, और ये भी कहा कि चिनार को सिर्फ मैं ही खुश रख सकती हूँ और उसे सिर्फ मैं ही सुकून दे सकती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की इस बारे में और शादी का कहा आखिर में। मुझे यकीन नहीं आया। ऐसा ही है, मगर मुझे लगता है कि चिनार को कायल करना जरा मुश्किल होगा। अच्छी बात तो यह है कि मिस्टर नजीब ने इस काम की बुनियाद रख भी दी है। तुम ये कैसे कर सकती हो यास्मीन? आपका इससे क्या वास्ता है? तुम मुझसे पूछ रही हो? उस आदमी ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद भी तुम प्लानिंग कर रही हो उसके साथ? क्या बात कर रही है जमरुद सुल्तान, आप मेरी बात समझी नहीं। मिस्टर नजीब मेरी शादी चिनार से कराने की बात कर रहे हैं, जिसका ख्वाब मैं बरसों से देख रही हूँ, और आप मुझे कह रही हैं मैं ये मौका हाथ से जाने दूँ? हाँ, इसी चीज की कमी थी, यही इंतजार था। उस आदमी ने मेरे साथ जो किया तुम जानती हो, जिसे वो चाहता था उस औरत के लिए उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तुम्हारे साथ क्या करेगा? प्लीज आप बुरा मत माने जमरुद सुल्तान, मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर पाने के लिए चिनार है। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो करो, कल कला को तुम सिद्दीक को ही मदद के लिए बुलाना, मैं नहीं आऊंगी।
तोपराग, मेरा मकसद तुमसे हिसाब लेना नहीं था। ऐसा हो भी नहीं सकता। मैं तो ये सब सुनकर बहुत हैरान रह गया था, वरना मेरा कोई हक नहीं। देखो, मुझ पर गुस्सा करके ये मत समझना कि तुम हमारे लिए मुसीबत बन गई हो। सुनो, तुम बदल गई तो फिर हम सब उदास हो जाएंगे। मैं इस तरह की फजूल बातें नहीं करता, मगर पता नहीं क्या हुआ, मेरी नीयत बुरी नहीं थी कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। मैं तुमसे बहुत माजरत ख्वाह हूं तोपरा, मेरा मतलब था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। बहुत शुक्रिया अहमद, मगर मैंने फैसला कर लिया है, बाकी भी हल कर लूंगी। ठीक है, ओके। मगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना? इस तरह जाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो प्लीज। तुम भी मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, मैं भी आजकल थोड़ी सी अपसेट हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैंने सबसे बड़ी हमाकत की, दरअसल तुम मुझे माफ कर दो। चलो घर चलें, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया, तुमने कुछ भी नहीं खाया और निकल गई। बस आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं लेट हो रही हूँ। तुम बेकरी से तो कुछ ले लेती अपने खाने के लिए? नहीं नहीं, वहीं जाकर खा लूंगी। तो कल शाम के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, केक बड़ा जबरदस्त था। बहुत शुक्रिया। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें बस तक। आपकी चाय मिस्टर नजीब। शुक्रिया बेटा। चिनार उठा नहीं अभी तक? अभी तक नहीं उठे। ठीक है। सभी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा फेवरेट ये है। मेरी बात पे यकीन करो, ये लगाने के बाद यास्मीन की खुशबू तो बिल्कुल इस बार टॉप पे रहेगी। मे बी, मगर फिर भी लोग हमेशा क्लासिक को पसंद करते हैं। चलो अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। तुम यहाँ पर परफ्यूम मुंतखिब करने नहीं आती हो। अपने आप को कोई मुतारिफ करवा के अच्छा दोस्त बनना चाहे तो इसमें कोई बुराई है क्या? हाँ, मैं तुमसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आपके नए प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराने वाली एक लड़की को नौकरी से निकलवाना चाहती हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन क्यों? ऐसे ही बस। मगर डियर, इंट्रोड्यूस कराने वाले काम हम नहीं करते, प्रोफेशनल एक कंपनी के साथ काम करते हैं और प्रमोट वो करवाते हैं। आई अंडरस्टैंड। फिर तो कंपनी से बात करनी होगी और मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं इस लड़की को निकलवाना चाहती हूँ। मसला क्या है यास्मीन? ऐसे छोटे इंसानों से ताल्लुक रखना तुम्हारी आदत नहीं है। ठीक कह रही हो, ऐसे छोटे लोगों के लिए वक्त जाया करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, हत्ता कि मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं। पर इस बार मामला डिफरेंट है। वो लड़की तोपराक अलगाज है। एक मिनट, मजाक है क्या? यानी चिनार अलगाज की बीवी हमारे यहाँ काम कर रही है? वैसे तुम उसे एक्स वाइफ कहकर बुलाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है यास्मीन, हल कर लेती हूँ मैं, मगर बड़ी फनी कंडीशन है ना ये। मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ। प्लीज मेरे लिए कॉफी तो मंगाओ। बहुत शुक्रिया आपका, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खैर और बरकत मिले। क्या मसला है? ये लीजिए हमारा नया परफ्यूम, ट्राई कीजिए।
हेलो हेलो जुनेद भाई, मैं हूँ जी। आप कौन? पहचाना नहीं। पुराना दोस्त कहूँ तो? ओ सितकू, तुम हो यार? हाँ हाँ मैं हूँ। नई ताजी बताओ, क्या कर रहे हो? मेरा तो दिमाग सुन हो गया, इतना कुछ हो गया है। हवा की कारिस्तानियाँ फिर से शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, तुम्हारी किस्मत तो मेरी किस्मत से भी ज्यादा खराब है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसी बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। किस बारे में? यार वो तोपराग वतन वापस चली गई है, सुनी है तुमने ऐसी कोई बात? मैंने सोचा कि यकीनन जुनेद को मालूम होगा। नहीं यार, मुझे तो नहीं मालूम। अगर वो यहाँ होती तो मुझे जरूर पता चलता। अल्लाह अल्लाह, यानी गलत सुना मैंने फिर? हाँ तुमने गलत सुना है। मैंने सुना है आजकल बड़े मजे में हो। ऐसा वैसा, मैंने एक ऐसा दरवाजा ढूंढ लिया है जहाँ मौजे ही मौजे हैं मेरी। गुड मॉर्निंग बाबा। अब कौन सा गुड मॉर्निंग बेटा, आधा दिन गुजर गया है। मैंने दिन का आगाज करने के मुतालिक उस वक्त सिखाया था जब तुम छोटे थे। क्या हुआ, भूल गए हो तुम? आई एम सॉरी बट मुझे कल रात नींद ही नहीं आई। ये नींद का मसला नहीं है, तुम्हारी ये हालत मुझे परेशान कर रही है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, डोंट वरी, ठीक हूँ मैं। अच्छा, आज शाम यास्मीन वगैरह डिनर पे आने वाले हैं, घर जल्दी आ जाना बेटा। ठीक है। अगर तुम अभी कंपनी जा रहे हो तो थोड़ा वेट करो, मुझे भी जाना है। नहीं बाबा, आज मैं नहीं जाऊंगा, असल में मुझे कुछ और काम है। क्या वो काम तो प्राग है? जो काम नामुमकिन हो उसके पीछे कब तक भागोगे बेटा? अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो तुम। मेरा और ख्याल है। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो प्राग ने तुम्हें वक्तन फवक्तन तरह तरह से तंग किया, अब तुम्हारा क्या मकसद है बेटा? मेरा मकसद उसे देखना है, मेरा मकसद उससे मिलके उससे बात करना है। हेलो खुशांदीद मिस अमरुद, मैं अतीक चूल्हे से फोन कर रहा हूँ, आपका चैन रेडी है? मैं आजकल अपने घर पर नहीं हूँ, अपनी बेटी के पास हूँ। अगर आप वहाँ पहुँचा देंगे तो मुझे बहुत आसानी और खुशी होगी। क्यों? ओके मिस अमरुद, जैसे आप चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वेट कर रही हूँ अपनी चैन का। क्या हुआ जमरत सुल्तान, हमें इतनी जल्दी छोड़ के जा रही हैं आप? आहा, कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? आई डोंट नो डियर, ये इंसान नहीं एक भेड़िया है, हर घर को गंदा करके चला जाता है वो। अब आप समझी मेरी प्यारी मॉम, क्यों मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। ओके स्वीटी, चाहो तो बात मत बढ़ाओ, फिर मिलेंगे। ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। कुछ देर बातें करें बेटा। ठीक है, तुम उधर आ जाना। कैसे हो बेटा? आप यहाँ क्यों आए हैं? यूसुफ तो मुझसे नाराज हो बेटा, मैं झूठ बोल बोलकर थक चुका हूँ, शायद मुझे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर यकीन करो बेटा, मगर तुम्हें बताना और भी मुश्किल है, समझो बेटा। फिक्र मत करें आप, आप लोगों को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, वैसे ही मुझे भी आप लोगों की परवाह नहीं है। देखें अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। यूसुफ ऐसा मत कहो प्लीज, मैं तुम्हें नहीं लेना चाहूंगा भला, तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू इजाजत नहीं देंगे। ईजे बाजी इजाजत दे रही है क्या?
वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने साथ। विजय से बात हुई थी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। विजय और मैंने कश्मीर रहने का फैसला कर लिया है, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम, और तुम्हारा भी जब चाहो जितना चाहो रहने के लिए एक अपना घर होगा तुम्हारा। कब जा रहे हैं आप दोनों? आज शाम। मैं चलता हूँ बाबा, दोस्त वेट कर रहे हैं। यूसुफ, मुझे सबक मिल चुका है, अब अपने प्यारों को दोबारा दुख नहीं दे सकता मैं, और मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया तुम हो माय सन। मैं तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूंगा। बाबा आपने मुझे दूर कर दिया है। गुड मॉर्निंग पार्टनर, कहाँ हो तुम और हाल चाल कैसे हैं तुम्हारे? मैं ठीक हूँ मिस्टर सिद्कू, तुम बता? मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, मेहमान दूसरे मेहमान को पसंद नहीं करता और मालिक किसी को भी नहीं, और तुम मजे से रह रही हो बिल्कुल अपने घर की तरह। ये अगर मजीद यहाँ रही तो मैं बिल्कुल ही बिगड़ जाऊंगा। ओ वाकई में? मैंने कह दिया, तुमने समझ लिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। खुश रहो पार्टनर। हेलो मिस्टर नजीब। कैसी हो बेटा, मुझे फिक्र हुई, तो प्राक वाले मसले को हल कर लिया तुमने? बिल्कुल हल कर लिया, आप फिक्र ना करें, आपकी पुरानी बहू वहीं जॉब कर रही है। हाँ तो ये मसला है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज शाम मेरे पोते को लेकर डिनर पे आ जाना। ओके ऑफ कोर्स, मगर चिनार भी तो होगा वहाँ है ना? फिक्र मत करो, मैंने उसे जल्दी आने का कहा है, खाना एक साथ ही खाएंगे, फिर मुझे काम है, मैं चला जाऊंगा, फिर तुम अकेले में बात कर लेना उससे। ओके, जबरदस्त सोच है आपकी, मैं जरूर आऊंगी। सी यू सून। ठीक है फिर, चलो शाम में मिलते हैं। थोड़ा मेरे हाथ में लगा दीजिए ना, ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं सबको लगाऊंगी, इधर आइए प्लीज, इधर आइए, सबको आर्टिस्ट बनाऊंगी मैं, इधर आइए, इस तरफ आइए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है मुझे भी। तो प्राग मिस्टर ओनर खुशाम। शुक्रिया दोस्तों, आप जरा इधर आइए। आपका पसंद आया ना? बिल्कुल आती हूँ। आपका काम आसान हो, फिर आएंगे। शुक्रिया, मैं भी आपको कॉल करने ही वाली थी, दो हफ्ते हो गए मैंने आपसे कोई रकम नहीं ली, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? तो प्राग, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? मैं तुम्हें मजबूरन जॉब से निकाल रहा हूँ। आई एम सॉरी। मिसेस रेहान से कहो फौरन आ जाएं। मिस रेहान विजिट के लिए मुल्क से बाहर गई हुई है। अच्छा, थोड़ी सी सहमत करके एक इतला ही दे देती हैं आप। शायद बगैर प्लानिंग के प्रोग्राम था ये। अंडरस्टैंड, मैं मोबाइल से फोन कर लूंगी। हमारी भी उनसे बात नहीं हो पा रही है। ये कौन सा तरीका है, काम पर भी नहीं आ रही है वो, और टेलीफोन भी बंद कर रखा है उसने, मैं नहीं मानती। फाइनेंस मैनेजर से मिलवाओ। ओके मैडम। एक बार फिर कॉल करती हूँ उसको। मगर सर क्यों? इसकी तो कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है, तो काम अच्छी तरह कर रही है, फिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं था। उफ, किसने ऐसा किया? तो प्राक, मैं समझी नहीं। देखो तो प्राक, मैं तुमसे किस कदर मुतमईन हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया था, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन किसने चाहा मुझे फायर कराना?
हेड ऑफिस में किसी का फोन आया था। अभी काम नहीं कर रहे, क्लोज है, ब्रेक है। ओके ओके, तुम्हें जॉब से फायर कर दिया है और वो अभी फौरन। कौन है वो शख्स? मैंने उसका नाम नोट किया था। दर हकीकत तो नहीं बताना चाहिए, मगर इसकी वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया है। यास्मीन ताशकरान, जानती हो तुम?